हेलो एवरीवन, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड, वैल्यूएटेड मेथड और टोटल आउटपुट मेथड। इसके बाद इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यूएटेड मेथड, टोटल आउटपुट मेथड विथ रूल्स, फॉर्मूलाज एंड विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है वो टोटल इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज का क्लास हमारा स्टार्ट होता है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। कुछ प्रिकॉशंस है जो वैल्यू एडेड मेथड को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। तो सबसे पहले चीज है कि हम लोग इसमें सबसे पहला काम है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। आपको पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, बिकॉज इसमें डबल काउंटिंग हो जाता है। तो डबल काउंटिंग की वजह से हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें शामिल नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं। सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इसमें ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ फर्स्ट हैंड गुड्स को ऐड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड हैंड गुड्स ऑलरेडी पहले से ऐड हो चुका रहता है। तो सेकेंड हैंड गुड्स अगर सेल और परचेज हो रहे हैं तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। तो इस थोड़ी सी चीजें क्या करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, यानी कि अगर हम अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे जब नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। अगर हम लोग सेल्फ कंजप्शन, यानी कि हम लोग देखिए यहाँ पे, अगर डोमेस्टिक सर्विस के लिए करते हैं, किचन सर्विस के लिए करते हैं तो नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, यानी कि दे कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल आउटपुट, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स आउटपुट इन दे आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट। ऐसी चीजें कि जो मार्केट में सोल्ड नहीं होती है, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सर्विस को ऐड नहीं करते, लेकिन अगर गुड्स हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सर्विस सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विस, जैसे किचन में हमारी मदर ने काम किया, हाउसवाइफ, ये सारी चीजें हैं जो कि एक सर्विस प्रोवाइड करती है घर के अंदर, उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। बट गुड्स अगर प्रोडक्शन होता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनपुट वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। अगर हम ओनर हैं और हमने कोई स्पेस ऑक्युपाइड किया है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें शामिल करेंगे। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। चेंज इन स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, अगर वो चेंजेस हैं प्लस या माइनस जो भी होगा, उसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलाज, और फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग लेते हैं आज कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज, और मेन इंपॉर्टेंट चीज में हम लोग लेंगे कि भाई किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम लोग टोटल आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझ में आ जाएगा। टोटल यानी कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं वैल्यू एडेड मेथड, तो इसके हेल्प से फाइंड करते हैं हम लोग जीडीपी एमपी, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी जीडीपी एमपी के बराबर आता है, जिसको हम लोग जीवीए एट एमपी के नाम से भी जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो जीवीए एट एमपी इक्वल टू होता है टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट लिख सकते हो, या कंजप्शन लिख सकते हो। टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजप्शन। टोटल आउटपुट की बात करें अगर हम लोग, तो टोटल आउटपुट इक्वल टू नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। डेल्टा स्टॉक को हम लोग चेंज इन स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, यानी डेल्टा स्टॉक जिसको हम लोग चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, उसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
अगर हम लोग करते हैं तो हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू आ जाती है। यानी आपको ये सारी चीजें याद करना होगा, टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर टोटल आउटपुट फाइंड करना है, डायरेक्ट टोटल आउटपुट नहीं गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो आप पहले क्या करोगे, नेट सेल्स जो कि आपके गिवन होगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर सकते हो, अपॉन डेल्टा स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक, डेल्टा यानी चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक की वैल्यू अगर पता करना हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये सारे फॉर्मूला अगर पुट करते हो आप, तो आप किसके बराबर फाइंड करोगे, जीवी एट एमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की आपको वैल्यू आ जाएगी, यानी जो कि जीडीपी एट एमपी के बराबर आता है। जीडीपी एट एमपी बोलिए या जीवी एट एमपी पर लिए, बात एक ही होता है, अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम होते हैं। चलिए इसके रिलेटेड हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और यहां पे दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द एक्स फॉर द फॉलोइंग 2001-2 कैलकुलेट द वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। वैल्यू एडेड यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड फाइंड करना है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला होता है हमारा भाई, जीवी एट एमपी, GVA at MP इक्वल टू हमारा टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, यही ना होता है। अब चलिए इसमें लोग फाइंड करते हैं, टोटल आउटपुट गिवेन है नहीं दिया, लेकिन यहां पे देखिए भाई सेल्स आपको गिवेन है एंड चेंज इन स्टॉक भी गिवेन है ना, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल सेल यानी कि 90। यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एक मिनट, यहां पे हम लोग इसको 90 सेल्स की जगह लिख सकते हैं 90 प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी भाई 10, तो इसमें क्या करते हैं प्लस 10 कर देंगे, ये हमारा हो गया। माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्ट हमारा 40 गिवन है यहां पे, तो यहां पे क्या करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह 40 लिख देंगे, क्लियर है, और कुछ करना ही नहीं है हमारे पास, यानी कि 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। ये जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, जीवी एट एमपी के बराबर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बहुत आसानी से इजिली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स यहाँ पे गिवन है, लेकिन इसको आप शामिल नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है, नहीं दिया रहता है तो आप रॉ मटेरियल को एज अ इंटरमीडिएट कंजप्शन ट्रीट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द आउटपुट वैल्यू आई, आउटपुट कैलकुलेट करना है, आउटपुट आपको वैल्यू एडेड मेथड से क्या फाइंड होता है, जीवी एट एमपी हमारे पास दिया क्या है, देखिए नेट वैल्यू एड फैक्टर कॉस्ट, यानी कि सबसे पहले हम लोग जीवीए एट एमपी फाइंड कर लेते हैं, क्या दिया हमारे पास, एनवीए एट एफसी दिया, राइट, एन से जी में जाने के लिए क्या करते हैं, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे, यानी आपको जो फाइंड करना है आउटपुट फाइंड करना है, और अगर हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड की फॉर्मूला पुट करते हैं भाई तो उसपे क्या फाइंड होता है, जीवी एट एमपी, तो इसको पहले क्या करो कि जीवी एट एमपी में कन्वर्ट कर दो, फिर फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे और इजिली आपको टोटल आउटपुट की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे जीवी एट एमपी, जीवी एट एमपी फाइंड करने हमारे पास क्वेश्चन में दिया है जीवी एट एफसी, इसको चेंज करते हैं, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस डेप्रिसिएशन, बाकी तो सेम है, एफसी से एमपी जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनआईटी। अब यहां पे देखिए दिया है 100, उसके बाद डेप्रिसिएशन के वैल्यू दिया हमारे पास 10, इसके बाद देखिए यहाँ पे टैक्स, ये जो होता है एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडीज होता है, आईटी हमारा 20 है, सब्सिडीज यानी कि 15, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे 15, यानी कि हमारे पास 125 जो वैल्यू है किसकी आ गई, जीवीए एमपी की। अब जीवीए एमपी हम लोग लगाते हैं, जीवीए एट एमपी इक्वल टू टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजप्शन, यहां पे हमारा दिया क्या 125 इक्वल टू टोटल आउटपुट तो गिवन है नहीं, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कंजप्शन गिवन है 75, टोटल आउटपुट इक्वल टू 125 प्लस 75, आप क्या कर सकते हो 200 हमारा हो जाएगा टोटल आउटपुट। तो
तो इस तरीके से बहुत आसानी से और इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो। भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बहुत काम वाली वीडियो है। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, एंटरटेन करेंगे, मनोरंजन करेंगे, बट जो मैं दूंगा ना लिख लो। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फाइंड करना है हम लोग को ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं जीवीए एट एमपी, यही ना फाइंड होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड से। तो सबसे पहले जो फाइंड होता है उसको फाइंड करेंगे हम लोग, जीवीए एट एमपी फाइंड करना है। यहाँ पे क्या होता है हमारा टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजप्शन, कुछ भी लिख सकते हो आप एज यू विश। यहाँ पे देखो सेल्स दिया है हमारे पास, तो सेल्स टोटल आउटपुट में क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग 500 प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे करेंगे तो -10 आएगा। तो यहाँ पे देखो -10 लिख देते हैं क्योंकि हमारे जो है ओपनिंग स्टॉक अधिक है, क्लोजिंग स्टॉक कम है। माइनस इंटरमीडिएट परचेज हमारा आपको 300 दिया है। यहाँ पे मशीनरी हम लोग लेंगे नहीं तो 300 यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 490 माइनस 300 इक्वल टू 190, यानी वैल्यू ऑफ जीबी एट एमपी कितना आ गया 190। अब इसको किस में चेंज करना है भाई हमें, तो जीवीए एट एफसी में चेंज करना है ना। हमारे पास दिया क्या है जीवीए एट एमपी, एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग माइनस एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडीज। यहां पे देखिए हमारे पास जीवी एट एमपी की वैल्यू दिया 190 माइनस, अब बात करेंगे एनआईटी की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करें तो कि आईटी तो गिवन नहीं है हमारे क्वेश्चन में, बट सब्सिडीज की वैल्यू दिख रहा है हमें। तो सब्सिडीज की वैल्यू जब दिख रहा है ना तो उसको क्या करेंगे, जैसे मान लो आईटी को 0 लेते हैं और सब्सिडीज क्या करते हैं आईटी माइनस सब्सिडीज 40, यही होता है ना। तो यहाँ पे 190 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 40, यानी हमारा आ जाएगा 230। तो वैल्यू ऑफ जीवी एट एमपी कितना हो जाएगा हमारा 190, और जीवी एट एफसी की जो वैल्यू होगी वो होगा 1230। आसान है ना, बहुत आसानी से। एक बार अगर ना दिक्कत हो रिवाइंड करिए, पूछ लीजिए, क्वेश्चंस तो सेंड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आई थिंक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल, और तब तक के लिए जय हिंद।